Please subscribe my channel and click on bell button. If you like my video then click on like button and share my video. हेलो फ्रेंड, फ्रेंड कैसे हो? फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हवा में कैसे खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने ऐसे वीडियो क्रिएट की है इसका। फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इस बॉक्स को हाइड करना होता है। इसके लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आप काइन मास्टर में जाइए और एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, जो वीडियो आपने शूट की है उसे आप इसमें इम्पोर्ट कर लीजिए। देखिए मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनानी है। पहले देखिए मैंने सिंपल वीडियो बनाई है कि पहले ये तो थोड़ी है, मैं कट वध है, इसे आप कट वगैरह कर लेना। ऐसी नहीं, मैं आपको मैं बताता हूँ कैसे आपने वीडियो तैयार करनी है। पहले देखिए ये वीडियो मैंने तैयार की है। पहले मैंने बॉक्स को कुछ नहीं, जहाँ पहले कुछ नहीं है देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है स्क्रीन पर। अब मैं बॉक्स रख दूंगा आकर। देखिए लकड़ का बॉक्स यह है, उसे मैंने वहाँ पर रख दिया। अब देखिए अब मैं इससे सिंपल इसके ऊपर से जाऊँगा और आगे चला जाऊँगा। ऐसे आपको भी वीडियो तैयार करनी है सिंपल ऐसे ही। पहले बॉक्स के बिना आपको वीडियो तैयार करनी है, बाद में ऐसे बॉक्स रखकर ऊपर से जाना है। अब वीडियो को मैं क्रॉप कर दूँगा। देखिए पहले जहाँ कुछ नहीं है वहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ से स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए, जहाँ पर पहले बॉक्स नहीं है। आप देख सकते हैं बॉक्स के बिना आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए मैं वीडियो कट कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। आप भी जो फालतू की वीडियो उसे ट्रिम कर दीजिए, बस उतना ही रखिए जितना कि मैंने आपको दिखाया है, कि मैंने वीडियो से पहले दिखाई थी इतनी वीडियो आपने बस रखनी है। देख सकते हैं आपके सामने है। अब आपको करना क्या है कि इसके कट करने के बाद आपको जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको ऐड करना है इसमें। उसको ऐड करने के लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाएं और वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लें। देखिए सेलेक्ट किया, इसे फुल स्क्रीन पर ले आएँ, पूरा सेट करना है। अगर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो सेट नहीं होगा। और इसकी ड्यूरेशन भी पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक ले जाइए। देखिए नीचे आ रहा है कैप्चर के ऑप्शन, इसे ड्यूरेशन लास्ट तक ले जाइए वीडियो तक, कि उसके साथ साथ रहे। जो अब थोड़ा होगा तो नहीं होगा सही, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसको करना क्या है, क्रॉप करना है। देखिए क्रॉपिंग की ऑप्शन आ रही है। अब सिंपल देखिए मैं इसे क्रॉप कर लूँगा स्क्रीनशॉट को। बस मैंने उतना ही इसे रखना है जितना जहाँ जहाँ बॉक्स है, नहीं तो हमारा ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमने वो देखिए बॉक्स हाइड करना है। सिर्फ जितना हाइड करना है उतना ही आपने क्रॉप करना है। देखिए नीचे इधर आपको ले सकते हैं, क्योंकि इधर आपने नहीं जाना, आपने जहाँ पर जाना है वहाँ से आप क्रॉप कर लोगे। देखिए मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है, जो जो बॉक्स है उसे हाइड कर दिया है। अब सिंपली आप देख सकते हैं वहाँ बॉक्स नहीं दिख रहा, तो अब मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। आप सिंपली देख सकते हो कि मैं गया तो नहीं दिख रहा, देख सकते हैं ऐसे। आप फ्रेंड मैं थोड़ा जल्दी में किया है, आप थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो आपको प्रॉपर सही पूरा सही हो जाएगा। एक बात को और ध्यान रखना है, जहां आपको आपने वीडियो शूट करनी है वहां पर शेडो मत आए। शेडो से थोड़ा बहुत ना कलर्स का पंगा पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप जहाँ लाइट हो, मतलब कि आप सूरज की लाइट में आप वीडियो शूट करना, वहाँ बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए मैं सिंपली वीडियो शूट करके इसे एडिट करके मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद फ्रेंड इसके कलर चेंज करना, आप कलर एडजस्टमेंट की ऑप्शन आती है। देखिए मैं दोबारा वो प्रोजेक्ट जो मैंने तैयार किया था उसे मैंने लिया और उसके कलर एडजस्टमेंट करूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है ऐसे कलर एडजस्टमेंट से, वो सही हो जाता है, उसका पता नहीं चलता इतना। थोड़ा डार्क वगैरह कर दीजिए और ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा कर दीजिए, इससे पूरा ओरिजिनल लगेगा। ऐसे फ्रेंड आप कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आपको जो काइन मास्टर चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।